स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान से कर्क रोग होता है। हेलो। अरे कहाँ थी तू? कब से फोन कर रही हूँ तुमको? बाथरूम में थी। क्या बात है, इस वक्त बाथरूम में? शट अप, हमेशा फालतू बात, चुप रहो। लेकिन तेरा पति तो बाहर रहता है, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? काश मेरी लाइफ भी तेरी तरह होती। उफ, क्या ये सब कहने के लिए तुमने मुझे फोन किया? अच्छा सुनना, जिस बात के लिए फोन किया था वही बात बोलना भूल गई। मैं बोल रही थी आज इवनिंग में मेरे घर पे आ जाना। आज नहीं हो पाएगा। क्यों? अरे मत पूछो, मैंने कहा था ना वो पिछले वाले सर्वेंट को छुड़ा दिया, आज एक नया लड़का आने वाला है। फिर से नया सर्वेंट? दो दिन बाद ही क्यों सर्वेंट बदल दिए? अरे मत पूछो, आजकल के सर्वेंट्स भी ना, आजकल कोई अच्छा सर्वेंट मिल जाना तो किस्मत की बात होती है। ये लोग तो कोई बात ही नहीं सुनते, अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं। उसके बाद और क्या, कहीं खो जाते, ढूंढने से भी नहीं मिलते। कैसे ढूंढ पाएगी? वो लोग तो तुझ में ही खो जाते हैं। ए, फिर से उल्टा सीधा बात करने लगी तू? तेरी तरह मालकिन मिले तो किसका दिल काम पे लगेगा? ए, वो लड़का लगता है आ गया, अभी जाती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके ओके चल बाय। मेरा नाम गोपाल है, पद्मा मौसी ने आपके पास काम करने के लिए भेजा है। ओ, अच्छा, अंदर आ जाओ। यहाँ क्यों, अंदर आओ। तो तुम्हें क्या क्या काम आता है? मुझे सब आता है दीदी, घर पोछना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सब। ठीक है, रहने दो, अभी जाके फ्रेश हो जाओ। उस तरफ जो रूम है वो तुम्हारे रहने के लिए है। अच्छा, ठीक है, जाओ। ठीक है। हेलो, देर हो गया।
बोलिए मैडम। हे, चाय कब दोगे? दे रहा हूँ अभी दे रहा हूँ। लीजिए मैडम। सॉरी, समझ नहीं पाई थी। एक काम करो, तुम इसे उतारो, मैं दवा लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं कमरे में जाके खुद ही दवाई लगा लूंगा। अरे चुप, ऐसा नहीं, मत करो, इसे उतारो। अरे मेरे सामने शर्माने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं मैडम, मैं खुद ही। एकदम नहीं, शर्ट उतारो, मैं अभी आ रही हूँ। क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? जल्दी इधर आओ, दवा लगा दूं। हाथ हटाऊं? मैडम जल रहा है। ठीक हो जाएगा कृपा। ठीक है मैडम, मैं अब जाऊं, बहुत काम पड़ा है। जाना है? अच्छा जाओ, पर इसे मत पहनना, अभी दवाई लगाए ना। ठीक है, आता हूँ। मैडम, हाँ सुनो ना, तुमसे कुछ बात है, बैठो ना। बैठने से नहीं चलेगा मैडम, बहुत काम है। अरे पापा, काम तो बाद में हो जाएगा, अभी तो बैठो, बात है कुछ। हाँ, बोलिए। पहले बैठो तो। अरे अरे, नीचे क्यों बैठ रहे हो, ऊपर बैठो। अच्छा, ऊपर में। कह रही थी कि तुमने पढ़ाई लिखाई कितनी दूर तक किया? मैं क्लास 8 तक पढ़ा हूँ। हाँ हाँ, 8वीं तक। मुझे मैडम क्यों कहते हो? क्या मेरा कोई नाम नहीं है? नहीं, तानिया। तुम क्या मुझसे डर रहे हो? नहीं नहीं, बोल रहा था कि मैडम, मैंने तो नहा लिया। अच्छा हाँ, ठीक है, पर दोबारा अच्छे से नहा के मेरे रूम में आओ।
खाना तुम बहुत अच्छा पकाते हो, जो भी कहो। क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? हे, क्या हुआ तुम्हें? ना, सोच रहा था हम लोगों ने ये ठीक किया क्या? क्या? यही पूरे दिन जो हमने किया, ये तो पाप है मैडम। अगर सबको पता चल गया तो मुझे गलत समझेंगे, और ये सब करने तो मैं कोलकाता आया नहीं। घर में बीमार माँ है, मैं पैसा भेजूंगा तो ही उनका इलाज होगा, और इस तरह तो मैं माँ को पैसा भेज नहीं पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं और काम नहीं कर पाऊंगा, मैं कल ही चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा।